क्वेश्चन different हाउ can डिफरेंट वर्ड्स कैन बी letters of द लेटर्स ऑफ द फॉलोइंग letters आर ऑल टेकन at अ टाइम ये चार वर्ड्स हैं कि इनसे कितने आ, डिफरेंट वर्ड्स बन सकते हैं अगर लेटर को ऑल एट अ टाइम लिया जाए यानी ये चॉइस नहीं है यानी जितने हैं सारे के सारे ही लेने हैं तो पहला क्वेश्चन लेते हैं इसके अंदर देखेंगे तो एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ टोटल कितने अल्फाबेट्स हैं एट इसमें कोई अल्फ़ाबेट रिपीट हो रहा है हाँ गैस yes, ओ oh, इसको मैंने इसलिए येलो कर लिया ओ oh, तीन दफ़ा आ रहा है तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका ये आप लिखें टोटल अल्फाबेट्स कितने हैं वो ऊपर लिख लें एट और जो अल्फ़ाबेट रिपीट हो रहा है मिसाल के तौर पे ओ रिपीट हो रहा है तो लिख लें ओ इज़ इक्वल टू थ्री टाइम्स इसके बाद इस तरह ब्रैकेट बना के ऊपर आपने वो वाला लिखना है जो कि टोटल नंबर हैं ऑफ अल्फाबेट्स और नीचे ओ रिपीट हो रहा है कितनी दफ़ा थ्री दफा तो थ्री थ्री नीचे लिख लेंगे अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा एट फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय थ्री फैक्टोरियल इसको ओपन करेंगे एट मल्टीपाई सेवन मल्टीप्लाय सिक्स मट्टीपलाई फाइव मल्टीप्लाई बाय फोर मल्टीप्लाई बाय थ्री फैक्टोरियल और नीचे भी क्या है थ्री फैक्टोरियल थ्री फैक्टोरियल थ्री फैक्टोरियल तो कैंसिल आउट हो जाएंगे तो पीछे क्या बच जाएगा एट सेवन सिक्स फाइव फोर इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा सिक्स थाउजेंड सेवन हंड्रेड एंड ट्वेंटी क्वेश्चन टू इसका पार्ट है बुक कीपर अब बुक कीपर के अंदर देखें तो कितने वर्ड्स हैं एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस टोटल कितने अल्फाबेट्स हैं दस लेकिन इसमें रिपीट क्या क्या हो रहा है ई रिपीट हो रहा है हाँ एक दो तीन ई कितनी दफ़ा आया है थ्री टाइम्स फिर के कितनी दफ़ा आ रहा है एक दो टू टाइम्स और ओ कितनी दफ़ा आ रहा है वन टू टू टाइम्स तो आपने इस तरह लिख लिया अब आपने ब्रैकेट के अंदर लिख लेने हैं जो टोटल अल्फ़ाबेट्स हैं वो ऊपर और जो जो रिपीट हो रहे हैं थ्री टू और टू ये नंबर नीचे लिख लेने हैं अब इसको आपने फैक्टोरियल की शिक्षा में लिख लेना है टेन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय थ्री फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाई टू फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाई टू फैक्टोरियल अब अगर टेन को ओपन करें ताकि कुछ ना कुछ हम क्रॉस भी कर सकें कट भी कर सकें तो टेन फैक्टोरियल को ओपर किया टेन नाइन एट सेवन सिक्स फाइव फोर थ्री टू फैक्टोरियल तक अब ऊपर देखें ऊपर टू फैक्टोरियल है नीचे भी टू फैक्टोरियल है ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे और ये थ्री फैक्टोरियल नीचे लिखा हुआ था इसको मैंने ब्लू कर लिया था कि आप ये देखें ये थ्री फैक्टोरियल थ्री टू दा सिक्स होता है तो ये और ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे तो नीचे सिर्फ टू फैक्टोरियल ही बच जाएगा तो ऊपर रह गए टेन नाइन एट सेवन फाइव फोर थ्री और नीचे टू फैक्टोरियल कितना होता है टू वन दा टू तो ये टू रह गया और इसको मल्टीप्लाई करें और इससे डिवाइड कर दें टू से तो आंसर आ जाते हैं वन हंड्रेड एंड फिफ्टी वन थाउजेंड टू हंड्रेड थर्ड पार्ट पे चलते हैं एबटाबाद ऐफ्टाद के अंदर कितने अल्फाबेट्स हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन टोटल टेन अल्फाबेट्स हैं कौन कौन से अल्फाबेट्स रिपीट हो रहे हैं ए रिपीट हो रहा है कितनी दफ़ा वन टू और थ्री दफ़ा बी कितनी दफ़ा रिपीट हो रहा है वन टू और थ्री थ्री टाइम्स और टी रिपीट हो रहा है वन टू टू टाइम्स अब इनको उसी तरह ब्रैकेट में लिख लेंगे टेन ऊपर और नीचे थ्री थ्री और टू अब इसको फैक्टोरियल की शक्ल में मिलेंगे टेंथ फैक्टोरियल डिवाइड बाई थ्री फैक्टोरियल डि थ्री फैक्टोरियल और टू फैक्टोरियल अब टेन फैक्टोरियल को ओपन करते हैं टेन नाइन एट सेवन सिक्स फाइव फोर थ्री टू फैक्टोरियल तक और नीचे वालों में से देखें कौन कौन से क्रॉस होते हैं ये टू फैक्टोरियल जो है इसको मैंने रेड कर दिया ताकि आपको पता हो कि ये इससे कैंसिल आउट हो रहा है इस थ्री फैक्टोरियल को मैंने ब्लू इसलिए कर लिया कि आपको पता हो कि ये इस सिक्स को, को क्रॉस कर देगा क्योंकि थ्री फैक्टोरियल होता है थ्री मल्टीप्लाई बाई टू यानी सिक्स तो ये इसको ख़त्म कर देगा और बाकी हमारे पास क्या बच जाएगा टेन नाइन एट सेवन फाइव फोर थ्री और नीचे जो ये थ्री फैक्टोरियल था इससे बन जाएगा थ्री मल्टीप्लाई बाई टू यानी कि सिक्स और इनको जब सॉल्व करेंगे ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करके डिवाइड बाय सिक्स करेंगे तो आंसर आ जाएगा फिफ्टी थाउजेंड फोर हंड्रेड यानी लफ्ज एप्टाबाद को फिफ्टी थाउजेंड फोर हंड्रेड मुख्तलिफर्ड्स में अरेंज किया जा सकता है और अब यह लफ्ज़ है लेटर फोर्थ हमारा इसको कितनी तरह अरेंज किया जा सकता है इसके अंदर टोटल अल्फाबेट्स कितने है? वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स और कौन कौन से रिपीट हो रहे हैं वो देख लेते हैं टोटल अल्फाबेट सिक्स हैं टी अल्फाबेट रिपीट हो रहा है टू टाइम्स और ई अल्फाबेट रिपीट हो रहा है टू टाइम तो ये ब्रैकेट में आ जाएगा ऊपर सिक्स और नीचे टू और टू और इसको सॉल्व करेंगे डिवाइड बाई टू फैक्टोरियल टू टू फैक्टोरियल सिक्स फैक्टोरियल को ओपन कर लेंगे अभी क्या क्या बन जाएगा सिक्स मल्टीप्लाय फाइव मल्टीप्लाई बाई फोरप्लाई बाय थ्री मल्टीप्लाई बाई टीप्लाई बाय फोर को मैंने रेड क्यों कर दिया क्योंकि नीचे देखें दो दफ़ा टू फैक्टोरियल आ रहा है टू फैक्टोरियल होता है टू मल्टीप्लाई बाई वन और ये भी टू मल्टीप्लाई बाय वन यानी ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो फोर हो जाएगा ऊपर भी फोर नीचे भी फोर ये कैंसिल आउट हो गया बच गया हमारे पास सिक्स फाइव थ्री टू वन इन सब को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारे पास आ जाएगा वन हंड्रेड एंड एटी यानी लव्स ये जो लेटर है एल ई डबल टी ई आर ये टोटल वन हंड्रेड एंड एटी डिफरेंट अरेंजमेंट्स में लिखा जा सकता है